हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन के से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे कि बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। दिसंबर में आपका लास्ट दिसंबर तक एग्जाम भी हो जाएगा। जैसा कि आपके पास टाइम नहीं है, डेली बेसिस पर मैं चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ। डेली बेसिस पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों, ये केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियो है। तो डेली बेसिस सभी लोग देखिए। एंड थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो धैर्य बना के देखिएगा, आधा पर छोड़ के भागिएगा मत। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है, हेल्थ इज प्राइमरी द प्रीमेरिटी मेरिली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो जो स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसकी होती है, तो स्वास्थ्य आपका है, शरीर आपका है, तो जिम्मेदारी आपका ही रहेगा, यानी व्यक्ति विशेष की होती है। किसकी? व्यक्ति विशेष की, आप ए पार्टिकुलर पर्सन। यानी कि स्वास्थ्य आपकी जीवन शैली कैसा है, स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं प्रभाव घटना से बचाने, स्वास्थ्य लाभ की रिकवरी प्राप्त करने की, जीवन स्तर को उन्नत बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक तौर पर भला चंगा होने की अवस्था ही क्या है, स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर के अंदर जोश ताकत विकसित करना, जो देखने में तंदुरुस्त हो और साथ ही व्यक्ति की कार्य कुशलता को सुधारने में मददगार साबित हो। स्वास्थ्य मुख्य रूप से व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है, अदर पर्सन की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज गुड हेल्थ डिपेंड। तो अच्छा स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, तो व्यायाम और आराम। आप अच्छा डेली बेसिस पे व्यायाम कर रहे हैं, यानी कि एक हेल्दी लाइफ के लिए डेली 30 मिनट हफ्ते में 3 दिन व्यायाम करना आवश्यक होता है। तो व्यायाम और आराम, आहार और पोषण, अच्छा आहार अच्छा पोषण ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण, यानी बैलेंस डाइट संतुलित आहार ले रहे हैं, स्वच्छता और आदतें, यानी कि जो आपकी डेली रूटीन में स्वच्छता स्वच्छ रहने की आदतें हैं, इन सभी ये सभी चीज़ें जो है अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, इन सभी चीज़ों पर स्वास्थ्य अच्छा जो है निर्भर करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो दोस्तों, व्यायाम से वसा को घटाना होता है, रिड्यूसिंग फैट एंड रक्तचाप को बनाए रखना है, यानी कि मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन बनाए रखता है, ना हाई होने देता है ना लो होने देता है, रोगों से मुक्ति करता है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डिजीज बट इंजरी जो है यह व्यायाम का लाभ नहीं है। व्यायाम करने से तो इंजरी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से असुविधा या कम हुई क्षमता को कहते हैं, डिसकम्फर्ट और रिड्यूसेड कैपेसिटी ड्यू टू प्रोलोंगेड और एक्सेसिव एक्सरसाइज इज कॉल्ड। एक्सेसिव एक्सरसाइज यानी अधिक आवश्यकता से अधिक आप एक्सरसाइज करें तो उसका परिणाम क्या होता है, तो उसके उससे गहरी थकावट उत्पन्न हो जाती है, डीप फटीग उत्पन्न होती है, क्योंकि ऑप्टिमल कार्य करना होता है, न ज़्यादा न कम। कम आपको व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो भी आपको दिक्कत है, मांसपेशी ब्रेक डाउन होने की ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूल शर्तें क्या हैं, व्हाट आर द बेसिस कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो सही भोजन यानी राइट फूड होना चाहिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्छता होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल एंड फैमिली हाइजीन, व्यायाम और आराम, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 48 घंटे में तीव्र गति से भार का कम होना किस कारण से होता है, व्हाट कॉजेज रैपिड
वेट लॉस इन 24 to 48 आवर्स, तो वो होता है आपका पानी की कमी, ठीक है, पानी की कमी, लॉक ऑफ वाटर, यानी कि जो आप देखते हैं ये डोपिंग सप्लीमेंट के अंतर्गत जो डिरेटिक्स होता है जिसे हम वेट रिड्यूसिंग ड्रग कहा जाता है, मूत्र वर्धक कहा जाता है, जो क्या करता है शरीर के भार को कम करता है, इसके सेवन से, डिरेटिक्स के सेवन से ज़्यादा पेशाब बनता है, पानी मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है और 24 से 48 घंटे में लगभग 35% भार कम हो जाता है। और डिरेटिक्स का प्रयोग ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ी करते हैं। डिरेटिक्स के जो है उपयोग तीन चीज़ों के लिए होता है, एक भार को कम करने के लिए, एक डोपिंग को छुपाने के लिए, एक महिला की मासिक धर्म के डेट को एक्सचेंज करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरेड ए पार्ट ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्रामिंग? तो दोस्तों इसमें से कौन नहीं माना जाता, तो स्वास्थ्य निर्देश, स्वास्थ्य सेवाएं एंड स्वास्थ्य निरीक्षण, ये स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग है बट स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न में से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए हैं? तो कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए हैं, तो उन्होंने सुझाया कौन है, कार्य के लिए परामर्श, व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना, व्यक्तियों को सूचित करना, ये तीनों सुझाव स्वास्थ्य के लिए जेई पार्क ने सुझाया है बट वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृत्ति का विकास इन्होंने नहीं सुझाया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का मुख्य कारण क्या होता है? द मेन रीजन वाई समवन गेट्स टायर्ड ड्यूरिंग वेरी हार्ड एक्सरसाइज इज, तो वेरी हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, उसका मुख्य कारण होता है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब मांसपेशियों को कठिन व्यायाम के समय पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और लैक्टिक एसिड मांसपेशियों कोशिकाओं के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यकृत व्यायाम के बाद इसे ग्लूकोज में बदल देता है तथा लैक्टिक एसिड मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर जम जाता है और थकावट होने लगती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं है, यानी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का भाग नहीं है? विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंसिडरेड ए पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स? तो दोस्तों कौन नहीं है, तो यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन है, कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ है, मांसपेशी शक्ति है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ है, बट प्रतिक्रिया समय नहीं है, प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख कारक घटक है, तो दोस्तों द मेजर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इफिशियंसी इज, तो दोस्तों यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशी शक्ति, लचीलापन, इस सभी के सभी स्वास्थ्य संबंधी यानी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट्स के भाग हैं बट सबसे मुख्य कौन है, तो प्रमुख घटक है कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, हृदय और फेफड़ों की क्षमता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित तो नहीं है? Which are the following is not related to school health programming? तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई, स्वच्छता, रोग का उपचार, ये सभी स्वास्थ्य स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है बट कैरियर संबंधी परामर्श नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होती है, विच ऑफ द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो जैसे कि नॉर्मली हमारे शरीर में 70% जल होता है, यानी 60 से 70% तक मानव शरीर में जल पाया जाता है, तो उसको देखते हुए आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 75%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस की शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑफ द बॉडी डज हेपेटाइटिस बी वायरस इफेक्ट? तो हमारे यकृत यानी कि लीवर को खराब करता है, यानी हेपेटाइटिस बी यानी कि जो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, उसी को कहते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो भी हो सभी यकृत यानी लीवर को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा जो लीवर होता है वो पित्त रस बनाता है, और क्या होता है जब कभी लीवर संक्रमित हो जाता है तो कभी कभी बहुत सारा आरबीसी अचानक से
क्या होता है, मरे हुए आरबीसी का पितरस बनता है। तो कभी संक्रमण के कारण आवश्यकता से अधिक आरबीसी मरते हैं और आवश्यकता से अधिक जो लीवर होता है उसको काम करना पड़ता है, ज्यादा पितरस का निर्माण हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि लीवर पर ज्यादा भार पड़ता है और जो लीवर होता है, लीवर में रक्त से पितरस को अलग करने की क्षमता खत्म हो जाती है और जो पितरस होता है हमारे रक्त में दौड़ने लगता है और पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, इसी को हम कहते हैं पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? Which of the following is a fitness component related to health? तो health related physical fitness इनमें से कौन है दोस्तों? प्रतिक्रिया समय यानी कि responsibility, agility, intensity ये सभी motor skill related हैं। But आपके पेशीय सहन शक्ति जो है muscular endurance स्वास्थ्य संबंधी physical fitness का घटक है। And next है, एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता? Why is a small child unable to ride a bicycle? तो दोस्तों बाइसिकल किससे कभी से एक छोटा बच्चा नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें परिपक्वता की कमी होती है, मैच्योरिटी की कमी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है? बेसिक प्रिंसिपल्स इन हेल्थ एजुकेशन वेयर टू स्टार्ट? तो कोई भी चीज है, स्वास्थ्य शिक्षा हो या किसी का भी शिक्षा हो, आप जानकारी से अनभिज्ञता की ओर बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? जानकारी से अनभिज्ञता की ओर यानी सामान्य से जटिल की ओर बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो लोगों को पहले से ज्ञान है उसके तरफ से बढ़ेंगे या जानकारी से अनभिज्ञता तक, और धीरे धीरे उस पड़ाव तक पहुंच जाना चाहिए जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसा करने से लोगों को नई जानकारी व नए विचारों को समझने में कठिनाई अनुभव नहीं होती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्यता का अर्थ है हेल्थीनेस, यहाँ पे स्वास्थ्यता का यानी फिटनेस का अर्थ होता है, हेल्थीनेस कहिए चाहे फिटनेस कहिए, तो स्वास्थ्यता का अर्थ क्या है? स्वास्थ्यता का अर्थ है आंतरिक शक्ति की क्षमता, पोटेंशियल ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ। हमेशा इंटरनल स्ट्रेंथ को ही हम कहते हैं फिटनेस, याद रखिएगा। यानी कि डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि डेली के वर्क को बिना थकान के संपन्न करना और आपातकाल के लिए अतिरिक्त ऊर्जा भी बनाए रखना ही आपका फिटनेस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? तो शारीरिक शिक्षा टीचर यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारण माना जाता है Which is considered to be the main factor of good health? तो प्रदूषण रहित पर्यावरण, pollution free environment, पौष्टिक आहार, nutrition diet and अच्छी जीवनचर्या, good life routine, तनाव stress free life। तो कौन आपका अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि पौष्टिक आहार भी माना जाता है, लेकिन अच्छी जीवनचर्या में पौष्टिक आहार, व्यायाम एंड आराम सभी चीजें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, गुड लाइफ रूटीन, डेली रूटीन आपका कैसा है वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने पर निर्भर करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर स्नेक बीट बाइट? तो आपका सबसे पहले कैप बैंडेज का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे काटा हुआ है वहाँ पे बांध देते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है के साथ बीट पूरे शरीर में फैल ना सके, और तुरंत उस जगह पे काटते हैं और उसके दूसरा स्टेप में चूसना होता है, और पहला स्टेप में कब बैंडेज बांधना, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक स्वास्थ्यता के दृष्टिकोण से स्वास्थ्यता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्यता के संबंध में है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजिकल हेल्थ, द रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ इज एंड रिलेशन टू हूज हेल्थ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जैविक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्य से है? तो जीव पूर्ण रूप से एंड शरीर के विभिन्न प्रणाली, यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा बी और सी।
क्योंकि जीव पूर्ण रूप से, यानी कि स्वास्थ्यता का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड मनोवैज्ञानिक सभी रूपों से स्वस्थ होना चाहिए। अब जैविक की बात कर रहा है, तो जैविक में मतलब शरीर के सभी विभिन्न अंग प्रणाली जितने भी हैं, सर्कुलर सिस्टम है एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सभी चीज़ें स्वस्थ होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे जैविक रूप से स्वस्थ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति, ए फिजिकली एजुकेटेड पर्सन। फिजिकली एजुकेटेड का मतलब समझ रहे हैं कि वो सभी चीज़ें मोटर स्किल में, हेल्थ है रिलेटेड स्किल में, सभी में फिट हो, तो वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें क्या विशेषता होती है, तो उसमें विशेषता होती है कि अनेक संचलन प्रकारों में दक्षता एवं कुछ संचलन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है। एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति, यानी एक जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चिकित्सकीय व्यायाम की पहचान करें, डिफाइन द थेरेपिक एक्सरसाइज अमंग द फॉलोइंग, इनमें से चिकित्सकीय व्यायाम की पहचान करें। तो इसमें चिकित्सकीय व्यायाम है दोस्तों, सक्रिय सहायक व्यायाम एंड निष्क्रिय व्यायाम, यानी कि 2 और 4 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2 और 4, यानी कि थेरेपिक एक्सरसाइज चिकित्सकीय व्यायाम है, सक्रिय सहायक व्यायाम और निष्क्रिय व्यायाम। एंड उसके अलावा टेम्पोलिन एंड प्लायोमेट्रिक एक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों जो चिकित्सकीय व्यायाम होते हैं सारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो ताकत, सहनशीलता, लचीलापन, स्थिरता और संतुलन को बहाल और बनाए रखने में केंद्रित होता है। चिकित्सकीय व्यायाम का लक्ष्य एक घायल रोगी को पूरी तरह से कामकाजी दर्द से मुक्त कराना होता है। चिकित्सकीय व्यायाम सक्रिय सहायक व्यायाम यानी एक्टिव एसिस्टिव एक्सरसाइज एंड निष्क्रिय व्यायाम पैसिव एक्सरसाइज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बॉडी। तो शरीर का गठन या शरीर का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन। जैसे कि पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है कार्य के आधार पर, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा एंड शरीर के निर्माण करने वाले, गठन करने वाले प्रोटीन और शरीर की रक्षा करने वाले विटामिन एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वाहिनी सहन क्षमता, पुष्टि और एक स्वस्थ संतुलित जीवन शैली का एक घटक है। निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता का सबसे सही वर्णन करता है, हृदय वाहिनी सहन क्षमता यानी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है वह हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का भाग है और स्वस्थ जीवन शैली का घटक है। निम्न में से कौन हृदय वाहिनी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का सही वर्णन कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस एंड हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी। तो सबसे मोस्ट क्या है, कार्डियोवैस्कुलर की बात कर रहा है, हृदय श्वसन क्षमता की, तो यहाँ पे लंबे समय की क्रिया आ जाएगी, एंड्योरेंस वाला क्रिया आ जाएगी, थकान की अवस्था में भी लंबे समय तक कार्य करते रहना ही एक राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक बैठता है कि एक लंबी समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता ही हृदय श्वसन क्षमता यानी कि हृदय कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहलाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फॉर ट्रीटमेंट और डिजीज कंट्रोल। तो इलाज या रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उद्देश्य होता है उसकी रोकथाम करना या प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, सबसे पहले प्रिवेंशन आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दवाओं का वर्ग है। व्हाट इज द क्लास ऑफ ड्रग्स कॉमनली यूज्ड बाय एथलीट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रमोट मसल्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। तो मसल्स ग्रोथ और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, शक्ति को बढ़ा देता है, वो होता है आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड। क्या होता है? एनाबोलिक स्टेरॉयड। एनाबोलिक स्टेरॉयड दोस्तों जो डोपिंग के अंतर्गत प्रयोग होता है, यह खेल की दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है एनाबोलिक स्टेरॉयड का। एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है, यानी कि AAS का मतलब होता है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का मतलब होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्क्यूलिनिंग, एंड एनाबोलिक स्टेरॉयड का मतलब होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण करना। यानी कि यह क्या करता है, वसा की मात्रा को कम करता है और पेशियों की ताकत और सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देता है और व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत समझने लगता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे कि ये महिलाएं जब इसका सेवन करती हैं तो उसमें पुरुष के गुण आने लगते हैं, जैसे पुरुष तत्व के गुण जैसे कि आवाज भारी, दाढ़ी मूछ आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंड इसके अंतर्गत प्रेरक आते हैं नेड्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन एंड मेटेनोलोन आदि आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त प्लाक के कारण ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉक किसके कारण होता है? हार्ट डिजीज इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड इन ए ब्लड वेसल्स और हार्ट मसल्स गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू प्लाक। व्हाट कॉजेज दिस लॉक, यानी किस कारण से वो लाख होता है, जो हमारे हृदय जो है रोग एक स्थिति जिसमें रक्त वाहिनियाँ जो है या हृदय की मांसपेशी में रक्त जो है ब्लॉक के कारण वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे रक्त आगे नहीं बढ़ पाती है, ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक की सामना करना पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, किसके कारण जो रक्त वाहिनियाँ वो ब्लॉक हो जाती हैं? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, HDL और LDL। HDL आपके लिए लाभदायक होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL। यानी कि आपके शरीर में HDL की मात्रा अधिक है तो आप अच्छे कंडीशन में हैं, यदि LDL की मात्रा ज़्यादा है तो आप खराब कंडीशन में हैं। ठीक है, यह कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल भोजन में मांसाहारी आहार के माध्यम से भी पहुंचता है, यानी अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद इसके प्रमुख स्रोत हैं। एंड ज़्यादा मात्रा में वसा का सेवन करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस शक्ति का एक उदाहरण है जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए मदद करता है? Which of the following is an example of a power that helps us to follow a healthy lifestyle? जीने का एक कौन सा example है? तो दोस्तों वो एक fitness label है, तो वो होता है आपका दैनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना ही आपका fitness है और स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने में मदद करता है, यानी कि being able to कंसेंट्रेट मोर एंड डेली टास्क, यही आपका फिटनेस कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।